Hello everyone, my name is Chandrabhan Pandit and I am Java and Android developer and trainer. आज 15 अगस्त है और आज स्पेशल डे पर इजी फ्री नोट्स की पूरी टीम की तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज इजी फ्री नोट्स अपनी पहली वीडियो सीरीज लॉन्च करने जा रहा है जो कि है 30 डे ऑफ कोड चैलेंज इन जावा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सो दिस इज डे जीरो। सो सबसे पहले हम डे जीरो की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक बार चल के कि डे जीरो की प्रॉब्लम है क्या। सो हियर इज द लिंक एज यू कैन सी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे कितने प्रॉब्लम्स हैं। सो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो डे 29 तक, जीरो से स्टार्ट होकर 29 तक, मतलब 30 डेज की प्रॉब्लम्स हैं। एक दिन में आप लोग एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो मतलब डेली एक नया चैलेंज आपके लिए डेली ओपन होगा एट 9 AM। सो अगर आप एक आज प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आप कल 9 बजे के बाद सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डे जीरो से। हेलो वर्ल्ड, सो इज द प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, टास्क दे रखा है, कुछ नोट्स भी हैं, और उसके बाद इनपुट फॉर्मेट क्या होना चाहिए, हमारा आउटपुट फॉर्मेट क्या होना चाहिए, और कुछ सैंपल इनपुट और आउटपुट हमें दिए गए हैं। चलो एक बार देखते हैं करना क्या है। सो इसमें हमें करना क्या है, तो यहाँ पर देखते हैं। चलिए इनपुट फॉर्मेट, सबसे पहले हमें एक सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट चाहिए होगा जिसे कि हम एक वेरिएबल इनपुट स्ट्रिंग में स्टोर कराएंगे, जो कि एक यूजर इनपुट लेना यूजर इनपुट होगा। ओके, सो हमें यूजर इनपुट की जरूरत पड़ेगी इस चीज में। सेकंड, आउटपुट फॉर्मेट क्या होना चाहिए, सबसे पहले प्रिंट होना चाहिए हेलो वर्ल्ड फर्स्ट लाइन के अंदर, जो कि पहले से डिफाइंड होगा। सेकंड, जो हमने इनपुट लिया था यूजर से इनपुट स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर, वो चीज सेकंड लाइन में प्रिंट होनी चाहिए। तो हियर इज द सैंपल इनपुट एंड आउटपुट। सो अगर मान लीजिए हम लिखते हैं वेलकम टू 30 डेज ऑफ कोड, तो हमारा आउटपुट आना चाहिए हेलो वर्ल्ड वेलकम टू 30 डेज ऑफ कोड। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारा कोड है, और मेक श्योर कि आप यहाँ पे जावा 8 को ही सिलेक्ट करें। ओके, यस। तो सबसे पहले हमें क्लास दी गई है पब्लिक क्लास सॉल्यूशन, और यहाँ पे एक मेन मेथड दिया गया है, और यहाँ पे कुछ हमें कमेंट्स लिखे हुए हैं जिसकी हेल्प से हमें प्रोग्राम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अगर हम ध्यान दें तो मुझे एक इनपुट चाहिए। ओके, सो इनपुट के लिए मुझे इनपुट लेने के लिए मुझे एक स्कैनर ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो एक बार हम देखते हैं। So how to solve this problem? We will use scanner class to get input, and for output we will use system.out.println. So let's start. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक scanner का object बनाएंगे। देखेंगे scanner, जो भी आप नाम है से SC scan, इसका ऑब्जेक्ट का नेम हो गया हमारा न्यू स्कैनर। देन हम इसमें पैरामीटर पास करेंगे system.in। सो ये हमारा स्कैनर का ऑब्जेक्ट बन चुका है, और हमें यहाँ पे इनपुट करने की जरूरत नहीं क्योंकि इसने ऑलरेडी इनपुट किया हुआ होगा, मतलब इम्पोर्ट किया होगा, हमें इम्पोर्ट करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। तो बस हमने स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बनाया। देन उसके बाद जो भी यूजर इनपुट डालेगा हमें उसे रीड करना है, तो यहाँ पर हमें रीड करने के लिए एक स्ट्रिंग वेरिएबल लेंगे, स्ट्रिंग से इनपुट स्ट्रिंग, ये एक वेरिएबल डिफाइन किया हम लोगों ने। तो हम लिखेंगे स्कैन डॉट नेक्स्ट लाइन, क्योंकि हमें पूरी लाइन को रीड करना है, तो हम यूज करेंगे नेक्स्ट लाइन मेथड को। देन उसके बाद हमें इसको क्लोज करना पड़ेगा स्कैनर को। ओके, सो लेट्स से स्कैन डॉट क्लोज। सो जो भी इनपुट या आउटपुट स्ट्रीम होती है हमें उसे क्लोज कर देना चाहिए, बेटर रहता है।
उसके बाद हमें करना क्या है कि ऑल द इनपुट फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट नीडेड फॉर दिस चैलेंज, तो हमें जो भी इनपुट लेना है हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो उसके बाद प्रिंट करने हैं हमें हेलो वर्ल्ड। ओके, सो से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, क्योंकि हमें कंप्लीट लाइन वाइज लाइन प्रिंट करना है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग प्रिंट एलन। अगर हम मान लीजिए खाली प्रिंट भी यूज करते हैं तो ये प्रिंट करेगा, बट ये लाइन वाइज नहीं होता, क्योंकि लाइन वाइज यूज करना है तो वी विल यूज प्रिंट एलन। इसके अंदर हमें लिखना पड़ेगा हेलो वर्ल्ड, उसके बाद हमें एक और लाइन यहाँ पर डालनी पड़ेगी से सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, और जो भी हमने इधर इनपुट लिया था यूजर से तो उस वेरिएबल को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा कॉपी करके। सो एक बार देख लेते हैं, हमें चाहिए था हेलो वर्ल्ड। ओके, सो हेलो के बीच में हमें कॉमा चाहिए था और देन फुल स्टॉप, सो से हेलो वर्ल्ड। सो लेट्स रन दिस कोड। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन, तो एक्सपेक्टेड आउटपुट बिल्कुल करेक्ट आया है। चलिए इसको सबमिट कर देते हैं कोड को। सो ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू सॉल्व दिस चैलेंज, वाओ दैट्स ग्रेट। तो हम लोगों ने अपना सबसे पहला चैलेंज सॉल्व कर लिया है, तो अब नेक्स्ट चैलेंज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।